अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो तुम सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होगे। तो गाइस, आज हम लोग कुछ फ़नी करने जा रहे हैं, कुछ अलग करने जा रहे हैं। आज हम लोग कैरी मिनाटी की एक वीडियो का रिएक्शन करने जा रहे हैं, जो अभी लेटेस्ट रिलीज़ हुई है, तो जिसका टाइटल है एमसी सलमान फिट बिग बॉस। और उस पर उसने जो है वो थोड़ा सा रिएक्शन दिया, तो हम उसकी वीडियो पर रिएक्शन करेंगे। तो गाइज, अगर अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की फ़नी वीडियोस तुम लोगों को मिलने वाली हैं, इस तरह का फ़नी रिएक्शन तुम लोगों को मिलेगा। तो हम लोग जो है अपने रिएक्शन में डिफरेंट किस्म की वैरायटी लाते रहेंगे। तो गाइज, जल्दी से तुम लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर आया है, ठीक है, जिसके ऊपर उसने थोड़ा सा बताया हुआ है कि जी वीडियो का मकसद जो है वो हरगिज किसी को हर्ट करना नहीं है, जस्ट खाना है। सुबह 8:30 बजे। ओ नेगी, की होया, साफ सुन गया तानू? मेरे को नहीं रहना है बिग बॉस में, सब फेंके रहे इधर। है कैसे कह रहा है? वो बात तो सही है। पाकिस्तान भेज दे। That's not right. He can't say that. Oh my God. ओ, दोस्त वाल बनाने नहीं आओ यार मैं। अस्तक्फुरु। मारने आया हूँ। यार ये गालियाँ। Oh my God, big. यार ये गालियाँ, यार गालियों वाला कंटेंट तुम्हें पता है हमारे यहाँ पे जो है ना वो नहीं होता, तो मैं इसको बीप कर दूंगा। बॉस, ये लोग जंगली जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? बिग बॉस, आप कैसे हो? बॉस, बिग बॉस। अब उल्टे पड़े हैं सारे। सलमान भाई रिवाइटल के डब्बे लाए हैं। छत्ता बना रखा है। अब जो होस्ट है उसे होना चाहिए शांत प्रकार का, और सलमान भाई से ज्यादा शांत मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। सलमान भाई तो बहुत गुस्से वाले हैं यार भाई, शांति को रखना है उसे। तो आओ यार, इससे पहले सलमान भाई गाड़ी निकाले, शुरू करते हैं बिना किसी पक्चोदी के। हमारी पहली बिग बॉसिया है मान्या। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं मैं कौन हूँ, कुशीनगर की रिक्शा ड्राइवर की बेटी या मिस इंडिया रनर अप? ए रनर अप मतलब वाओ, बिग बॉस में ग्लैमर तो होना ही चाहिए। तुझे पता भी है कितने लाखों लड़के हुए? वैसे यार ये बात है कि लड़कियां जो है ना वो मेकअप करके बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं यार, अभी देखो। अबे ये कैसा गया हमारा, सकल पे टाइड मार दिया क्या? सपने देखना मुश्किल नहीं होता, बस मेकअप करना आना चाहिए। मिस इंडिया, यू आर नथिंग। ना थूत ना आवाज, जान को मिस इंडिया बने बैठी है, सिलेक्शन करने वाला काना था क्या? विनिंग रिएक्शन होता है। तो आपको पता है कैसे करते? नहीं। तो कैरी वही काना नहीं था, वो असल में मेकअप करके आई थी इसलिए सिलेक्शन हो गया। अगर ऐसे होते मिस इंडिया रनर अप 2020 मान्या सिंह से, ये क्या बातें हैं भाई, तो जोन आउट हो गए। क्या झलाऊ जवाब दे रही है, एपिसोड खत्म करो, घर जाकर मटन। सलमान खान का फेस चेक करो, मतलब जैसे वो उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या बोल रहे हैं, एक ही ऐसे स्किल बना के करके खड़ा हुआ। छोड़ूंगा अरबाज की घरवाली, बढ़िया। ओ वो तो छोड़ के चली गई। अरे परसों कोर्ट भी तो जाना है, बहुत टाइम हो गया। वैसे जैकलीन को फार्म हाउस पे भी नहीं बुलाया। अरे क्या कर रहा है सलमान, बैक टू वर्क। हमारी अगली बिग बॉसिया है अर्चना, इसका सबसे एक ही सवाल है, पागल हो गया मैं? नहीं नहीं, इससे पिछली वाली मिस इंडिया थी और ये है मिस बिकनी इंडिया। बिग बॉस में ब्यूटी पेजेंट का कोटा चल रहा है क्या? अब दो अप्सराएं आई हैं तो बिग बॉस का माहौल बहुत खूबसूरत। हाथ मत लगाना, क्या मतलब करंट मारती है तू? खत्म। अब टाट पे क्राउन धर के क्वीन बना दे, टीवी में एड दिलवा दे, सड़कों पे होर्डिंग लगवा दे, मिस इंडिया, मिस अर्थ इंडिया, मिस बिजनेस इंडिया, मिस बिकनी इंडिया, मिस मिस्टर इंडिया। ये वाला सेंस नहीं बना ना, बाकी चार बना गए। बट नहीं, मैं अब लड़ूंगी ही नहीं, मैं अब लड़ूंगी ही नहीं। अपने दिल की बात सुनते हुए और अच्छाई की राह पे चलते हुए अर्चना फिर कभी नहीं लड़ी। अंडी मंडी शंडी, जो बिग बॉस में ना लड़ा उसकी दीदी अगले की गुत्ती पकड़ ली। अभी कह रही थी नहीं लड़ूंगी, क्यों? तो मैं पूरा एपिसोड नहीं दिखाऊंगा, टिश्यू पेपर मांग रहा था, तरफ मांग लेता पेट में चाकू मार देती। सॉरी, कभी नहीं होगा ऐसा। एक बार फिर अर्चना अच्छाई की राह पे चल। साले, अभी तीसरी बार है
लड़की है कि क्या ढक्कन? औरत, जिम्मेदारी आपकी है। औरतें मीठी छुरी होती है, ये खुरपा है, खुद खुद के कलेश ढूंढती है। इसके सर पे कोई पत्ती लगा दो, जैसे ही थोड़ी गर्म हो सारन बजना चालू हो जाए, कम से कम भागने का मौका तो मिलेगा। हमारे अगले बिग बॉसिया हैं ये है क्या कर रहे हैं यार? इसका पहला नाम है शालीन और दूसरा नाम नुकसान। ये कतर का सनी देओल गुस्सा नहीं परफॉर्मेंस निकाल रहा है, दो दिन फुटेज मिलती नहीं है, दौरा चढ़ जाता है। टीवी एक्टर है ना वो, मेरे लिए एनफ प्रोवोकिंग है टू बीट द शिट आउट ऑफ एवरीबॉडी ओवर हियर। अबे प्रोटीन बुद्धि, बिग बॉस में रह के बिग बॉस जाने की ऑडिशन क्यों दे रहा है? लेकिन बेचारा क्या करे, मेरा स्क्रिप्ट के जवान लड़खड़ा जाती है। बकरी की तरह मिमिया के रहा, सीधे बोलना। मैन पहले अलमारी था क्या? ऐसे कौन बोलता है, शब्द पकड़े जाते नहीं है। लेकिन लड़की मतलब योर ड्रेसेस आर वेरी क्यूट, तो चिपक जा फिर। लेकिन एक पे कहाँ रुक रहा है ये? मुझे नहीं बात करनी आपसे। कोई काम कर, नाच ले उसके साथ। ये 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 ओ ये बेटे ये। अब नुकसान से बिग बॉस पे परेशान है बार बार। शाली सिर्फ हिंदी में ही बात कर। नहीं, लेकिन फिर दिस इज अ कन्फेशन रूम, वी आर सपोज्ड टू हैव अ कैंडिड कन्वर्सेशन हियर। हियर अच्छा वे अच्छा, बिग बॉस एक्सेंट मार रहा मूवी अंग्रेजी में। जय हो नुकसान की, टेबल चेयर के साथ बिग बॉस का कैरेक्टर भी तोड़ दिया। नुकसान बाकी सबसे बहुत ऊपर बैठता है। नहीं सही में, सुबह 8:30 बजे हमारे अगले प्रतियोगी है मशहूर रैपर। माइक मुझे दे दो। ये अकेला जो अपना सारा पैसा लेके घूमता है। तेरा सर से पांव तक के भाव क्या है? इट्स लाइक 60-70 लाख। यार कम से कम देखो, मुझे लगता है 10 किलो सोना तो उसने पहना हुआ है यार। मतलब 60-70 लाख, वैसे तो सेलिब्रिटी आते हैं लेकिन पहली बार बिग बॉस के घर में दहेज आया है। इसको धोबन का बच्चा ज्यादा साफ लगेगा। हिंदी का इतना बड़ा श्रृंगार पहन रखा है लेकिन शक्ति। यार वैसे कैरी ने तो एमसी स्टैन को भी वो रोज कर दिया की आता है जो हिंदी है ही नहीं। शेमड़ी शेमड़े शेमड़ा शेमड़ी शेमड़ा। चूपा लेते हुए भी शेमड़ा चिल्लाता है क्या? लेकिन क्या फर्क पड़ता है, स्नूप डॉग भी तो ऐसे ही बोलता है। तू खारी शेमड़, खारी क्या क्या खारी शेमड़ी। अब दिन से रात हो जाती है लेकिन इसकी धमकियां खत्म नहीं होती। अरे तो खड़ वाले में घुस के मारूंगा, निकल ले दे एक बार। घुसेगा आराम से, जा भी तो सकता है। बाप क्यों खा रहे तू आगे दिखा, तेरी माँ क्यों खा रहे तू आगे बता, गाली दे रहा है मेरे से, मेरे से गाली देगा, आगे दिखा, आगे दिखा। ऐसा लग रहा है युजविंदर चहल बॉल डाल रहा है। नहीं एक बार ये देखो फिर ये देखो, अगला गुलेल पे रख के चला देगा। लेकिन भाई ने सोचा अपुन भी बॉडी बनाएगा, इसलिए भाई ने कार्डियो करना चालू कर दिया। अब मैंने बिग बॉस के 100 घंटे चाटे, उसमें से कुल मिला के 20 मिनट इसकी फुटेज होगी। लेकिन फिर भी एंड द विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 16 गोज टू एमसी स्टैन। इसे कुछ होश ही नहीं है, चल क्या रहा है? जिंदगी हो तो ऐसी, वरना जिंदा तो विवेक ओबरॉय भी है क्या? मैं भाई की टीम में हूँ यार, तुम्हें पता मुझे सपने कैसे आते हैं? विकी बहुत खुश लग रहे हो आप, और ये खुशी आई नो दैट फीलिंग। अब जब भी हमारे रैपर की गुथाई होती है पता नहीं क्यों साजिद खान उसे सुट्टा पिलवाता रहेगा। चला सिगरेट पी, फिर ठंडा हो जा, अंदर आ जा, एक सुट्टा मार, छोड़ ना सुट्टा मार ले बस। कैंसर भी कह रहा होगा, इतनी क्या जल्दी है? नहीं है, बात निकल गई है, एक सिगरेट पी के आगे गले लगेगा। यार एमसी स्टैन को इतना रोस्ट है, एक काम कर उसकी गोल्ड फ्लेक जला दे, क्योंकि लत ऐसी लगा। गाली क्यों देते हो यार, बात में गाली क्यों देते हो यार? मुंह से तो फिल्टर खा जाता है वो। साजिद खान की कास्टिंग काउच इतनी फेमस है, इससे लौंडिया छोड़ो, लौंडे भी डरते हैं। अरे दिस इज नॉट सर, सर मेरी बात ब्रदर, मेरी सर मैं साजिद खान को इंडिया नहीं पसंद है क्योंकि रशियन डरती नहीं है ना। मेरी नॉमिनेशन से आज तक ना कभी फटी है ना कभी फटेगी, मेरा नाम साजिद खान है सर। साजिद खान नहीं सिफारिश खान है, क्योंकि साजिद अरबाज के बहुत क्लोज है, पार्शियलिटी होगी। ये आपस में खेलते रहते हैं बैट बीन का बॉल बीन की, बाकी सब तो चूतों की तरह फील्डिंग कर रहे हैं। फालतू के मौके और
करण की कॉफी सिर्फ इन्हें मिलती है। क्यों बैठा है? क्यों बैठा है? मुझे क्या मालूम क्यों बैठा है? क्यों फट रहा है? छोड़ना सुट्टा मार। हमारा अगला बिग बॉस यह है बड़ा पाव। ये है अब्दू फ्रॉम तजाकिस्तान। 20 साल का लौंडा है पर मेडिकल कंडीशन के वजह से इसकी हाइट छोटी है, लेकिन बिग बॉस वालों को लगा घर में बच्चा है। सुबह 8:30 बजे, दोपहर 4:15 बजे। लंगड़ा नहीं है वो, लेकिन ये लोग दिमाग से पैदल जरूर है। भाई यार मतलब वो बच्चा तो नहीं है कुछ भी। लड़के तो कतई बावड़ी हो जाती है हर छोटी छोटी बात पे। अब्बू ने हक दिया इतनी सी पोटी पागल औरत। अब्दू ने भी सोच ली बच्चा समझ रहे हो ना, बच्चा ही सही। वो कईयों का साइज और देखो कंडीशन कैसी भी हो लौंडा तो लौंडा ही रहता है। इट्स अ कंपटीशन। ये सब क्या हो रहा है? कल को बच्चा बच्चा बोल के अपना अंगूठा ना चुसवा दे। इसके बच्चा होने की इतनी कंफ्यूजन है किसी ने कोरा पे पूछा रखा है Does Abdul live with Snow White? ये कौन गेंडू है? कैसे हो सकता है कि 14 दिन से ये बच्चा क्यूट लगते जा रहा है? ना वो छोटा है ना वो बच्चा है और नहीं रहता वो स्नो व्हाइट के साथ। साजिद खान की कंपनी आधिकारक है। बेचारा अब्दू भी कॉर्न फ्लेक्स से गोल्ड फ्लेक पे आ गया। अब सोचो अगर कप्तान अमेरिका के पास शील्ड की जगह बाल्टी हो। पूरा कम्बोर्ड फेंक के मार देना लड़की के। ये बिग बॉस के एवेंजर्स इतने देसी हैं, इन्हें वायलेंस भी डोमेस्टिक ही पसंद है। अब बिग बॉस में हर लड़की कहती है गर्ल पावर फेमिनिज्म। ओ सॉरी टास्क कर ले अब 100 पुशअप्स कीजिए। हाँ चल ठीक है ये वाली ये गुड लक निमरित गो। घोड़ी नहीं बनना था पुशअप के नाम पहननी आती काय बात की गर्ल पावर। अगर ये असली पुशअप्स है तो ये भी असली सलमान खान है। अब जब सलमान भाई करते हैं तो उनके कुछ ऐसे भागते हैं। अरे वो शेरा है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा वरना अगली ईद पे भाई मुझे काट रहे होंगे। अब जो भी इस वीडियो को लाइक मारेगा उसे मिलेगा 1,00,000 रुपए कैश। देखो मेरे पास छुट्टे नहीं है सिर्फ 2,000 का नोट है। और भैया माफ कर देना वीडियो में काफी टाइम लग गया क्योंकि मैंने 100 घंटे सलमान भाई को चाटा और ये सब मस्ती है मजाक है। हेट देने की क्या जरूरत है? मत दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो सफेद वाला बटन है उस पे डाउरी फेंक के मारो या दहेज मुझे नहीं पता, बस शादी हो जानी चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे साइकिल चलाने जाना है। बाय। वो है सौरभ के घर पिज्जा ऑर्डर करते हैं, वो आज भी दाल चावल खा रहा है। बिग बॉस चाहते हैं छोले खाओ। तो यार ये था हमारा आज का रिएक्शन। कैरी में नाटे ने तो हद ही कर दी यार। वैसे इसके ना मीडिया में बहुत गाली गलौज होता है यार, अभी क्या करें यार, समझ से बाहर। बहरहाल अच्छा था, मज़ा आया। अगर तुम लोगों को मज़ा आया इस वीडियो का तो मुझे कमेंट्स में बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो मुझे बताओ क्या चाहते हो। मैं भी अपने उसमें देख रहा था यार, मतलब 95% लोगों ने बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया हुआ। यार क्या चाहते हो तुम लोग, कर दो यार बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि तुम्हें मेरी वीडियोस मिल सके। यार अभी मैंने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया तो यार सपोर्ट तो चाहिए ना थोड़ी बहुत, प्लीज़ यार। इस वीडियो पे हम लोग एम रख रहे हैं 100 लाइक्स का, तो जल्दी से जाके 100 लाइक्स कर दो और वीडियो को लाइक करो, बार बार कह रहा हूँ। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, क्या करते हो यार तुम लोग, पागल हो गए यार, जल्दी से चैनल पे जाकर सब्सक्राइब करो यार। ये एयरपोर्ट देख रहे हो ना, इसी से मार पड़ेगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। बाय।